टोंक के देवली में सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती हुई एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी सूचना मिलने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। गुरुवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने 3 चिकित्सकों समेत अस्पताल स्टाफ का कोरोना सैंपल लिया। आपको बता दें कि 25 मई को धुवाला गांव के एक प्रसूता अस्पताल में भर्ती हुई, जहां पर उसका कोरोना सैंपल लिया गया था। अस्पताल में गत दिनों एक गर्भवती महिला के भर्ती होने के बाद संक्रमित होने की सूचना से समूचे राजकीय अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं देवली में भी खलबली मची हुई है। आरआरटी टीम के प्रभारी डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि जातपुर तहसील के दुवाला पंचायत की एक गर्भवती महिला गत 25 मई को शाम को अस्पताल में भर्ती हुई, जहां 4-5 घंटे के दौरान महिला वार्ड में रही। हालांकि इस दौरान बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन बच्चे की क्रिटिकल परिस्थिति को देखकर चिकित्सा विभाग ने महिला को टोंक रेफर कर दिया, जहां उसका कोरोना सैंपल लिया गया। बुधवार शाम महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद से ही अस्पताल में स्टाफ को अपने संक्रमित होने का भय सताने लगा है। गुरुवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने अस्पताल के 3 डॉक्टरों समेत 13 लोगों के कोरोना सैंपल लिए। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर 5 लोगों के भी कोरोना सैंपल लिए गए। ये 5 लोग वो हैं जो राजस्थान से बाहर गत दिनों देवली आए थे। इसके अलावा देवली में भी चर्चा का विषय व भय का माहौल है। मनीष बागड़ी, A1 TV न्यूज, देवली, टोंक।